नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कुल्फी। जिसके लिए हमें चाहिए दूध, हमने सांची का 1 लीटर दूध लिया है, शक्कर, कस्टर्ड पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो आइए शुरू करते हैं हम मलाई कुल्फी बनाना। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। पैन में दूध डालेंगे, गैस ऑन कर देते हैं। हमें दूध को अच्छे से बॉईल होने देना है। जब दूध बॉईल होने लगेगा तो हम इसमें शक्कर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमें इसे बॉईल होने तक पकाना है। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर स्वाद अनुसार डालनी है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें दूध को बीच बीच में चलाते हुए इसे आधा होने तक पकाना है। हमें इसे आसपास की मलाई इस तरह बीच बीच में करती रहनी है। ध्यान रहे हमें इसे बीच बीच में कंटिन्यू चलाते रहना है। दूध उबलकर आधा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और कस्टर्ड पाउडर। हम कस्टर्ड पाउडर को घोल लेते हैं। हमने 1 लीटर दूध के लिए 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे पानी से घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर घुल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। दूध गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हम इसे ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में निकाल लेंगे और इसे फ्रिज में 1 घंटे जमने के लिए रख देंगे। 1 घंटा जमने के बाद हम उसे निकाल कर और मिक्सर में एक बार चलाकर फिर जमने के लिए रख देंगे और 8 से 10 घंटे में हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। हमने मलाई कुल्फी को 1 घंटे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है, अब हम इसे जार में पीसेंगे। इसे जार में डाल लेते हैं। हमने कुल्फी को जार में पीस लिया है, अब हम इसे मोल्ड में जमने के लिए रख देंगे। हम सांचा यूज कर रहे हैं, आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भी भरकर रख सकते हैं। हमने मलाई कुल्फी को सांचे में भर लिया है, अब हम इसे फ्रिज में रात भर के लिए रख देंगे, सुबह ये बनकर रेडी हो जाएगी। हमारी मलाई कुल्फी जमकर तैयार हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए।
मलाई कुल्फी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।